ना आपको शायद इस्माइली फिलसोफी नहीं मालूम। अकॉर्डिंग टू इस्माइली फिलसोफी जो है इमाम का दीदार ही हज है मेरे भाई। तो जो है ना आप बहुत भोले हैं यार, ये दुनिया में इतना भोलपन तो नहीं चलेगा ना मेरे भाई, लोग आपको बेच के खा नहीं लेंगे। ये इतने बात भोले मत नहीं, बनो यार, अरे इतने भोले मत बनो जलाली भाई। आप माशाल्लाह बोल खूबसूरत मत, है नहीं लेकिन यार सीरत के बोल मत, मामले में, क्या अरे जरूरत, इतने भोले मत नहीं बनो यार। या अली मल्ला बोले बनने क्या जरूरत है, चलो मुझे आप आगे फोन जरा से सुन अगर लो, ये बोलना सुन लो मेरे चाहोगे भाई ना, अबू अली जलाली भाई, ये जरा मिशनरी सुन लो। वाइज नंबर 490। ये वॉइस क्लियर नहीं आ रहा यार, हजरत इमाम को देखना रसूलुल्लाह को देखने के बराबर है, हजरत इमाम को देखना अली को देखने के बराबर है, हजरत इमाम को देखना खुदा को देखने के बराबर है। इसलिए कि रसूलुल्लाह बहुत दफा कहा करते थे कि अली के चेहरे पे नजर करना खुदा की इबादत है। रसूलुल्लाह बहुत दफा कहा करते थे कि अली का जो चेहरा है, अली की जो शक्ल है, वो खुदा का चेहरा है, वो अल्लाह का फेस है। ये आपने सुना, इसमें आपके अबू अली कहते हैं कि हाजर इमाम को देखना खुदा को देखने के बराबर है। तो क्या आप जब अपने अस्तगफिरुल्लाह, हाजर इमाम को देखते हैं जलाली भाई, जब आप अपने हाजर इमाम को देखते हैं तो आपको खुदा दिखता है उसमें? देखिए खुदा खुदा होता है, हाजिर इमाम खुदा नहीं है, समझ गए कि नहीं? हाजिर इमाम तो हाजिर इमाम है जो हमें नहीं खुदा तो तक क्या हाजर पहुंचाने के इमाम लिए कौन रखते है? हैं, अच्छा मतलब जो हमें गाइड है। खुदा तक पहुंचाने गाइड, बिल्कुल, जो हमें खुदा तक पहुंचाने के लिए रास्ता दिखा देता है, सही है कि नहीं? अच्छा पक्का और ये पक्का जो जी जी बिल्कुल, लॉक कर दे क्या लॉक चीज? कर दे, वही कि हाजर इमाम आपके लिए गाइड है वो। जी हाजिर इमाम खुदा नहीं है, पक्का बिल्कुल हाजिर इमाम खुदा नहीं है, पक्का बापा, ये लॉक कर कोई दे अगर इसको, लॉक लॉक कर दे, लॉक कर दे इसको, ये बात को लॉक कर दे। फिरा फिरिएगा नहीं, देखिए घूमिएगा नहीं, बिल्कुल, फिर मैं ये सारे कहेंगे, सारे इस्माइल कहेंगे हाजिर इमाम खुदा नहीं। नहीं है, ये कोई आप कहते हैं ना, आप तो कहते हैं ना पक्का है ना, ये आपके लिए वो गाइड मैं है खाली, पक्का, मैं कहता हूं कि हाजिर हंड्रेड इमाम खुदा परसेंट नहीं है, पक्का कहता हंड्रेड हूं, परसेंट 100%। ठीक है। तो अब ये दुआ में आप जो पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, का मतलब क्या है? हम तुझसे ही मदद चाहते हो, तेरी इबादत किससे करते हैं, किससे किससे? अल्लाह से, अल्लाह से। हाँ हाँ तो फिर जो दुआ के पांचवे पाठ के अंदर जो तस्बीह निकाली जाती है, जो इबादत किसकी होती है वो तस्बीह के अंदर, किस तरह की इबादत करती है बताओ, वो जो अभी तक तस्बीह बता निकाली दे। जाती है ना पांचवे पाठ में, जो या अली या मोहम्मद कहते हैं, तो वो तस्बीह, वो तो हजरत अली तो अल्लाह थे क्या? देखिए देखिए, हम हाजिर इमाम की वसीले से खुदा, हम हाजिर इमाम की वसीले से आपने आपने अल्लाह दुआ से का दुआ चौथा पाठ मांगते हैं, पढ़ा है? आपने आपने चौथा पाठ पढ़ा है दुआ का? बिल्कुल पढ़े हैं। वो चौथा पार्ट जो है ना उसके अंदर है, वसीले से दुआ कैसे मांगते हैं, वसीले से दुआ मांगने का तरीका चौथे पार्ट में दिया हुआ है। ये तो आप सीधे सीधा मांगते बिल्कुल हैं दुआ खत्म करके, या अली या हजर इमाम तू हमारी कुल मुश्किल आसान कर। वसीला किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप अल्लाह को बोलेंगे, या अल्लाह मैं बहुत ही गुनहगार हूँ, मेरा इमाम मासूम है, तो या अल्लाह तू मेरे इमाम के वसीले से मेरी कुल मुश्किल आसान कर। ये हो गए वसीले वाली बात, आप तो सीधा सीधा मांग रहे हैं ना भाई। और आपने बोला देखिए, वही या देखिए का नस्ते, या अल्लाह हम तुझी से ही मदद मांगते हैं, इसमें वसीला नहीं आया ना? वसीला नहीं वसीला, आया, हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं ना, जो बताइए इस्माइलिज्म है ये बताइए। बात नहीं, ये हम जो दुआ मांग रहे हैं कि ना, ये हाजिर इमाम के हमारी गुनाहें मुआफ कर दे, सही है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि हाजिर इमाम तू अल्लाह है कि हमारी गुनाहें मुआफ कर दे, इसका मतलब ये है कि हाजिर इमाम आप अल्लाह के नूर में से, अल्लाह के नूर में से हैं, और उस नूर के जरिए जो है हमारे गुनाहें मुआफ कर दे, इसका मीनिंग ये होता है असल में। लेकिन आपने तो कहा वो तो गाइड है ना, अल्लाह तो है ही नूर ना, बिल्कुल और आपने इया का नबुदु व इया का नस्तईन में पढ़ा कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है तेरे नूर से भी बोल के,
ये देखिए, मदद मांगना कोई वो गुनाह नहीं है किससे मदद नहीं, आपने मांगना। अल्लाह से वादा किया ना भाई, अल्लाह से वादा किया ना कि मदद ये अल्लाह से ही मांगेंगे। तो अल्लाह से मदद मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते हैं? हजरत इमाम से जो मांगते हैं वो लेकिन आप तो या अली आज़र इमाम, तू हमारी कुल मुश्किल आसान कर, आप बोलते हैं ना। अच्छा, और तो साथ ये में बस देखिए आपके ये इमाम बात क्या ही फरमा रहे हैं मालूम है? सुनिए, इमाम क्या फरमा रहे हैं मालूम है? इमाम का एक फरमान है सुल्तान मोहम्मद शाह का कि इमाम इंसान के ऊपर आने वाले किस्मती और कुदरती दुखों को दूर करने की कोशिश न करे। अगर जो इमाम ऐसा करे तो दूसरी दुनिया भी यही होवे, यानी कि दुनिया आकिबत आखिरत जैसा कुछ भी ना रहे। तो इमाम कह रहे कि हम तो इस्माइलियों के जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सोल्व करने की कोशिश करते ही नहीं, और फिर भी इस्माइली बेचारे जो है अभी क्या बोलना उसको, बेवकूफ तो नहीं बोलेंगे, आप तो काफी इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, तो फिर भी उनसे मांग रहे। इमाम कह रहे हम दूर ही नहीं कर रहे, तो ये क्या बात हो गई यार? तो ये आप मेरे बता दिया ना आपको, हजर इमाम से हम कहां जो बताया मांगते हैं यार। नहीं, हम वसीला आप दुआ के चौथे पार्ट में है ना भाई, वसीला दुआ के चौथे पार्ट में है, एक बार चौथा पार्ट आप पढ़िए देखिए, उसमें है वसीला से दुआ कैसे मांगते हैं। सीधी सी बात ये है कि ना असल में ना जो आप लोगों ने ये जो दीन के टीके लगा के रखा है ना, ठीक ये है। मतलब दीन का जो टीका लगाया आप लोगों ने, आप ये फैसला समझ करते हो गई। कि जो आप मतलब दोजख में जाएंगे या फलान जन्नत में जाएंगे, ये सबसे पहला आपका जो है वो गलत कॉन्सेप्ट है, देखिए क्योंकि भाई, हमने उसका कभी भी नहीं बोला ऐसा, ना ये प्रोग्राम से कभी भी किसी ने नहीं बोला। हम तो ये कहते हैं कि भाई देखो, अल्लाह ने अगर हमारा खात्मा ईमान पे किया तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने खुदा ना खासा हमारा खात्मा ईमान पे नहीं हुआ ना, तो हम हमारी जन्नत की कोई गारंटी नहीं है, ना आपकी है ना मेरी है, ठीक है। लेकिन ये जो बात यहाँ पे नहीं है, बात ये चल रही थी कि वसीला से दुआ मांगना, तो दुआ के चौथे पार्ट में है अल्लाहुम्मा गफिर लना जुनूबना, ओ अल्लाह हमारे गुनाहों की माफी बख्श, वरजुकना और हमें रोजी दे, वरहमना और हम पे रहम कर, बिहक्की रसूलिक मुकर्रबीन, क्या है आगे, तेरी नजदीकी पाए हुए पैगंबर के नाम पे। देखिए ये वसीला दे रहे किसके नाम पे, तेरी नजदीकी पाए हुए पैगंबर के नाम पे, वह अइमतिकल मुत्तहरीन और पाक इमामों के नाम पे, वबी हक्की मौलाना व इमामिना शाह करीम अल हुसैनी और हमारे धनी और हमारे इमाम शाह करीम अल हुसैनी के नाम पे। इसको बोलते हैं वसीला। ये दुआ है इस्माइलियों की चौथी, जिसके अंदर वसीले में कैसा दुआ मांगते हो बताया, लेकिन आप दुआ खत्म करके ही बोलते हैं या अली आज़र इमाम तू हमारी कुल मुश्किल आसान कर, वो तो वसीला हुआ ही नहीं ना भाई। कोई वसीले है ना, वसीले से कहाँ मांगते है हो आप। वसीला, चौथे पाठ में है ना, वसीला चौथे पाठ में दिया। देखिए, अल्लाहुम्मा गफिर लना ज़ुनूबना, ओ अल्लाह हमारे गुनाहों की माफी बख्श और हमको रोजी, आप अल्लाह से दुआ मांग रहे, फिर आप वसीला दे रहे इन इनके नाम पे, इनके नाम पे, इनके नाम पे, उसको वसीला बोलते हैं ना। वसीला का भाई मतलब है कि आप उनका उनका वसीला दे रहे हैं ना। आप जो कह रहे हैं ना, आप जो बोहतान लगा रहे हैं इस्माइलियों पे, ये आपका गलत कॉन्सेप्ट है कि हम हाजिर इमाम से जब मांगते बोहतान हैं कि कहाँ ये लगा रहे हैं, हम तो आपको हकीकत बता रहे हैं मेरे भाई। बोहतान आप किसको सुने बोलते हैं? ना यार, बोहतान आप उसको बोलते हैं यार भाई, मैं तो आपको सबूत ही दे रहा हूँ ना। आप देखिए, किसी को भी पूछिए कि इस मैं बात वसीला तो किसको सबूत बोलते हैं। दिया यार आपने, तो सबूत दिया, लेकिन अंदर इसके जो निचोड़ ना वो आपको पता नहीं है। आपने तो सबूत दे दिया, इसका जाहिर आपने देख लिया है, लेकिन असल में उसके जो बातिन है वो आपको मालूम नहीं है। उसके बातिन में क्या होता है असल तो में, आप बता दो भाई, हमको भाई बता दो बातिन क्या है उसका, हम भी समझना बता चाहते हैं ना। दो, हम हाजिर इमाम से मांगते हैं कि ए हाजिर इमाम हमारे सारे गुनाह मुआफ कर, हमारे मुश्किलात आसान कर, मांगते हैं। इसका मतलब ये हर गिस नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं कि हाजिर इमाम अल्लाह है, कि अल्लाह हो के हमारे तू गुनाह मतलब हमारे जो मुश्किलात आसान करे। हम कहते हैं कि आप जो है अल्लाह के नूर में से है, और उसी नूर अल्लाह के नूर के वास्ते जो हमारे क्या है गुनाह है, हमें बख्श दे या हमें मुआफ कर दे। हमारा असल मतलब ये ऐसा होता है कि कहाँ हम कहते हैं भाई, ऐसा नहीं कहते हैं ना यार, आपको तस्बीह नहीं मालूम, ऐसा कहाँ कहते हैं, तो आपने हम जो कहा वो कहते कहते ही नहीं है। अरे नहीं कहते हैं यार, अरे तो हमारी तो अब जिंदगी बीत गई दुआ मांगते मांगते यार। ये 5 साल हुए हम तो बंद किए, जिंदगी बीत गई, दुआ मांगना सिखाते थे हम बच्चों को यार, ऐसा कहाँ कहते हैं।
नहीं यार, इस तरह हम आपसे अरे सीखे नहीं वहां। कहते यार, अरे हम भी जो है एक जमाने में आपके टीचर रह चुके हैं मेरे भाई, हम ऐसा आप नहीं कहते ऐसा यार, आप यकीन करो हम पे नहीं कहते। तो आपकी तो ये बात हो गई ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक हो गई ना यार। अरे नहीं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक थोड़ी होती है, मुल्ला अपना घर भी चलाता है, चार बच्चों को भी पालता है, ऐसा किसने बोला मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है बोल के। अरे ये कहावत है ना, मशहूर कहावत है। भाई इमाम अरे अली, लेकिन गलत है वो तो। इमाम अली मुल्ला थे या नहीं थे, मौलवी थे या नहीं थे, इमाम अली उनकी दाढ़ी थी या नहीं थी। जी खामोशी। इमाम अली मौलवी थे या नहीं थे, इमाम अली मुल्ला थे या नहीं थे, इमाम अली। इमाम थे, मौली मौला और मौली जमीन और आसमान का फर्क होता है, तो वो इमाम थे। इमाम अल्लाह, उनकी ये दाढ़ी है थी या नहीं जिनकी थी, इनके इनके इल्म की दाढ़ी, हैसियत देख। उनकी दाढ़ी थी या नहीं थी। नहीं, लेकिन देखिए जलाली भाई जो है ना माशाल्लाह, काफी अंदर उनको ईमान का जलाला है बोल के बेचारे हमारे साथ आए, अल्लाह उनको जजाए खैर अता फरमाए। लेकिन आपने आमीन। वही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई कि आप जो है ना थोड़ा इल्म पढ़े, थोड़ा इस्माइलिज्म को पढ़े, डीपली उनको स्टडी करे और कुरान देखिए। आप माशाल्लाह आपने बोला कि जो हदीस नबी की हदीस नहीं मानता है तो वो तो हजरत अली की शान कैसे बयां कर पाएगा, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत सारी है पढ़े, मन कुंतु मौला हुआ फाजा अली, और मौला के अलावा और जिसका मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है, ये दो चार हदीस को छोड़ के बहुत सारी हदीसें हैं, तकरीबन 7,000 हदीस तो नमाज के ऊपर है मेरे भाई, और बहुत सारी हदीसें हैं जिंदगी कैसा बितानी बचपन से लेके जो है मरने तक की पूरी हदीसें, थोड़ा पढ़े जैसे उन्होंने जिंदगी बिताई, हजरत अली के बारे में पढ़े और उनके मुताबिक जिंदगी बिताने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे भाई ये दुनिया जो है ना वो असल ठिकाना नहीं है, क्योंकि असल ठिकाना तो आखिरत है, और कयामत के दिन अल्लाह हमें ये विथ बॉडी शरीर के साथ में उठाएगा और तो हिसाब किताब ये लेगा, और या तो जन्नत में डालेगा या जहन्नम में डालेगा। तो अब आ गए ना बात पे, कि वो जन्नत में डालेगा या दोजख में, वो तो अल्लाह है ना, जी वो अल्लाह है वो अल्लाह है ना। आप भी मानते हैं, मानते हैं ना। जी। आपका ये मसला है ना, कि आपका सबसे बड़ा इशू ये है कि ना, आप लोग ये दुनिया में बैठ के ये फैसला करने के लिए तैयार हैं कि कौन दोजख में अरे जाएगा, कि हम कौन कहाँ फैसला कर रहे हैं मेरे भाई, वो अल्लाह कह रहा है जिसने कुरान उतारा 750 मरतबा, एक बार नहीं 750 मरतबा कह रहा है कि भाई मैं ये शिर्क का गुना माफ नहीं करूंगा, मतलब वो नहीं करेगा, क्योंकि हम तो उसके भरोसे पे उनके उसके शब्दों पे जा रहे हैं ना, ये हम भी ये कहते अल्लाह हैं। ने कहा है। आप कहते तो आप क्यों शिर्क करते हो यार, शिर्क का कोई भी मतलब यही करता होता है कि अगर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के अगेंस्ट काम करना, यही तो शिर्क है। हम जब भी, मैं आपको बता रहा हूँ, हम जब भी हाजिर इमाम से दुआ मांगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उलिल अमर के हिसाब से मांगते हैं, अल्लाह के हिसाब से कभी ठीक है, नहीं आप जो मांगते। आपने जो हदीस बताई ना, आप हदीस आपने बोला ना हदीस मानते हैं, इस्माइली नहीं होता वो हदीस नहीं मानने वाला, चलिए एक हदीस बता दीजिए। किस किस तरह मतलब हदीस यही इस अली तरीके से दुआ अली मांगने की, इस अली तरीके से दुआ अली मांगने की एक हदीस बता दीजिए कि हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे या हजरत अली के टाइम पे किसी ने इस तरीके से दुआ मांगी क्या, एक वाकया एक हदीस पेश कर दीजिए। चलिए देखिए भाई, मैं कोई मौलवी या हदीस के लिए अरे मेरे भाई आप, अरे यार वो तो फिर ऐसी बात हो गई ना कि हमको जो जो भी पट्टी पढ़ाएंगे हम पढ़ लेंगे। वो अहले बैत की शान में है, वो आपको मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। अरे एक ये जो हदीस ऐसी सुना दीजिए, एक हदीस ये सुना दीजिए कि जहां मान पे हजरत अली के पास इस तरीके से दुआ मांगी जाती हो, ऐसा मांग तो हम भी तो सीखे ना भाई, हम भी तो सीखना चाहते हैं आपसे, एक सुना दीजिए। तो हम मान कुम तु मौला फहाजादीन मौला, ये हदीस है कि नहीं है। बस एक हदीस ही है और हदीस सही पकड़ी हदीस लिए, है, सही हदीस है, तो हदीस है ना, सही हदीस है, एकदम परफेक्ट हदीस है ये। तो फिर हदीस मैंने पढ़ लिया, तो वो हदीस नहीं तो क्या पढ़ा मैंने, नहीं नहीं आप बोल मैंने रहे ये कहा आपको कि भाई हजरत अली के पास जैसे आप ये दुआ मांगते हैं ना, या अली या हजर इमाम तू हमारी कुल मुश्किल आसान कर, आप कह रहे हैं कि हजरत आप इमाम साहब को वसीला बनाकर अल्लाह से मांग रहे हो, तो इस तरीके का कोई अमल या इस तरीके की अच्छा कोई हदीस आप सुना दीजिए।
आप नाद अली के बारे में क्या कहेंगे फिर इसके बाद, अगर इस चलो मेरे पास नाद अली के बारे में ये कहेंगे कि ना उसका धड़ है, ना सर है, ना पांव है, कुछ नहीं है, ना हदीस में तो है, ना कुरान में है। ये मसला तो ये है ना, ये कि हर अरे बंदों भाई नहीं, आप का बताइए ना, आप बताइए भाई, आप रे मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आप मुझे बताइए कौन सी हदीस में ना दे लिए या कुरान की कौन सी आयत में ना दे लिए। आप तो नादिया अली को नहीं मानते हो, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार को नहीं अरे मानते हो, तो हाँ मेरे फिर भाई, कुरान की भाई किस मैं तो आयत अल्लाह को में? और अल्लाह के नबी को मानता हूँ ना, आप मुझे बताइए किस आयत में वो है तो या सारे किस हदीस में है, अल्हम्दुलिल्लाह तो हम में भी भी माने। मानता क्या हूँ, ये तो हम कलमे मानते में हैं आप? मानते हैं, ये तो मानते हैं अल्लाह एक है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल है, तो सारे मानते हैं भाई, ये तो इस तरह कोई बात हाँ नहीं कि नहीं हाँ तो जो ये। उस उन्होंने जो हदीस में फरमाया ना वो तो होगा ना, नादेली कहीं तो भी होनी चाहिए ना, रेफरेंस तो होना, जैसे आपने बताया ना मन कुन तो मौला हुआ फाजा अली उन मौला, आपने रेफरेंस दिया ना, नादेली का भी दीजिए ना या कौन सी तो हदीस में है। रेफरेंस के लिए और जंगे उहुद में देख लेना, जंगे गजवात देख लेगा, जंगे उहुद देख ले जंगे मुसलमान उहद में क्या अपना, था, क्या था जंगे उहद में? जंगे उहुद में रसूल पाक को ससम को छोड़ के कौन चले गए थे, क्या हो गए थे, दांत मुबारक क्यों शहीद हो गए थे, मुसलमानों ने क्या हाँ गफलतें की है, तो ये जरा जी उस कर बिल्कुल, देंगे तो नहीं मालूम पता है ना, चलता। आपकी बात सही है, जो सहाबा को बताया था कि आप यहाँ पे रहो और उन्होंने जो है वो हाँ, हुक्म का जो है पालन नहीं किया और वो चले गए और उनकी वजह से जो है तो अहले 70 70 सहाबा सहाबा शहीद हुए थे, बैत तो वो पता है ना बाद में अल्लाह ने उनको कुरान को उतार के माफ कर दिया, तो उसमें नादेली कहाँ से आई? नहीं उसमें नादेली तो कहाँ से उधर से आई? पढ़े सारे रेफरेंस पढ़े, तो हम तो ये नहीं कह रहे कि तो अरे कहाँ क्या है मैं भाई, अपनी तरफ से उधर लाया, तो रेफरेंस फिर में क्या मैं नहीं है अपनी ना तरफ से भाई, लेके आया हूँ ये, तो वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, कहाँ से आप लाए? रेफरेंस अब मान आप ही लाए तो आप ही बताएंगे ना। अरे यार आप लाए तो आप बताएंगे ना, मैंने तो ना दिल्ली नहीं बोला, आपने बोला ना, तो आप ही बताएंगे रेफरेंस नहीं उसका। होता तो ना दिल्ली का, आप ना दिल्ली को नहीं मानते तो मैं रेफरेंस आपको किस तरह वो आपको सुना देखिए दूं यार। कुरान अरे में मेरे अगर होगा भाई तो ना मानेंगे दिल्ली मैं ना। मानना चाहता हूं ना, मैं मानना चाहता हूं, मुझे रेफरेंस दे मैं मानूंगा ना, बगैर रेफरेंस के मैं थोड़ी मानता, तो फिर आप में और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा ना। एक चीज होती है ना, जो अभी एक समझ के कुरान एक जामे पूरे मतलब जामे किताब है ना, उसमें सारे इस्लाम का और दूसरे जितने भी मसाबे उस सारों का उसमें इल्म उसमें मौजूद है, कुरान में कुरान मजीद फिर में क्यों नहीं सही है। पढ़ते यार, पढ़ते क्यों क्यों नहीं, नहीं पढ़ता पढ़ते, हूँ यार, कौन नहीं नहीं पढ़ता है, पढ़ते? अरे पढ़ते पढ़े होते तभी तो तो ये जाते बात हैं। नहीं करते थे, फिर ये बात नहीं करते थे। देखिए ये अपने इमाम से गुनाह माफ करवाते हैं, कुरान की आयत है, स्क्रीन पे चला दी है, अल इमरान की 135, इसमें अल्लाह पाक चैलेंज करते हैं कि कौन है कि अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे गुनाह माफ कर सके, तुम जानबूझकर इस बात पर इसरार करते हो अल्लाह के अलावा कौन है जो तुम्हारे गुनाह माफ कर सकता है, जब अल्लाह इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है आपको तो आप कहते हो कि नहीं मैं अपने हाजिर इमाम से गुनाह माफ करवाता हूँ। अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं तुमसे कितने करीब हूँ, याद रखो खालिस बंदगी अल्लाह ही का हक है, और जिन लोगों ने इसके बजाय दूसरे रखवाले बना लिए, जिस तरह आपने अपना इमाम बना लिया है, हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब करते हैं, जिस तरह आप कहते हो कि हमारे हाजिर इमाम हमको अल्लाह के करीब करते हैं, अल्लाह पाक आपकी तरफ इशारा करते हैं, जिनको वो इख्तलाफ करते हैं, यकीन रखो अल्लाह किसी ऐसे शख्स को रास्ते पर नहीं लाता जो झूठा हो, कुफर पर जमा हो, आप झूठ पर जमे हुए हो, अल्लाह कहता है मुझ तक पहुंचने के लिए ये लोग जो है वो लोगों को अपना रखवाला बनाते हैं, अल्लाह इसी किसी चीज से जो है वो पाक है, हर किसी चीज से पाक है। आप कुरान कहाँ पढ़ते हो? अल्लाह को छोड़कर आपने ऐसे लोगों को अपना इबादत अपना हमनवा बना दिया है जो अपने किसी भी नुकसान या फायदे पर भी काबिज नहीं है। कुरान की आयत है सूरह फुरकान आयत नंबर 3, और इन लोगों ने खुदा को छोड़कर ऐसे लोग माबूद बना लिए हैं जो खुद भी पी पैदा किए गए हैं और वो किसी को पैदा करने के हामिल हैं, और जिन खुद को अपना नुकसान या फायदे का भी बस नहीं चलता। कुरान की आयतें तो साफ हैं, आप कुरान नहीं पढ़ते, आप सिर्फ वो चीजें सुनी सुनाई। नादे अली कहाँ है कुरान में? नादे अली किस हदीस में है? नादे अली क्या अली अली रजी अल्लाह ने खुद पढ़ी? नादे अली क्या नबी ने पढ़ी? किस सहाबा ने पढ़ी? आपको कहीं से नहीं मिलेगा। सुनी सुनाई बातों पर आपने अपने अंदर जो है वो शिर्क को जमा कर लिया और उस पर जम भी गए हैं आप।